एक बार बीरबल को महारानी संदेश भिजवाती है और संदेश में लिखती है कि मैं बड़ी मुश्किल में फंसी हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। रानी का संदेश पाकर बीरबल तुरंत रानी से मिलने पहुँच जाते हैं और जाके बीरबल कहते हैं, महारानी जी आपने इस सेवक को कैसे याद किया है। इस पर रानी कहती है, बीरबल हम एक मुश्किल में फंस गए हैं। तो इस पे बीरबल कहते हैं, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। बीरबल की बात सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज है। यह सुनकर बीरबल कहता है, लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ रानी जी। रानी ने बताया, एक दिन महाराजा हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने आगे बीरबल से कहा, तब से कई दिन बीत गए लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए। मैंने गलती ना होते हुए भी महाराज से माफी मांग ली थी लेकिन महाराज पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो। तो इस पे बीरबल कहते हैं, महारानी जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। महारानी को समझा बुझा कर बीरबल दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में महाराजा अकबर राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। महाराजा मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बहुत आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किया, हमारी कोशिशों से स्थिति थोड़ी सी सुधार तो हो गई लेकिन समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। तभी अचानक बीरबल ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। फिर महाराज ने पूछा, क्यों ये बीज इसी खाद क्या इस फिर महाराज ने पूछा क्या ये बीज इसी का फिर महाराज ने पूछा क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है। इस पर बीरबल ने कहा, हाँ महाराज इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या बीरबल। तो बीरबल ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उसे उबासी आएगी। यह बात सुनकर महाराजा ने भड़कते हुए कहा, बीरबल तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई है जिसे कभी उबासी ना आई हो। तो इस पे बीरबल ने कहा, ओह मुझे माफ करना महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं महारानी भी यह समझती है कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। अभी जाकर महारानी जी को यह बात मैं बता के आता हूँ। बीरबल की यह बात सुनकर महाराज पूरी कहानी समझ गए। वे समझ गए थे कि बीरबल ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनकी सारी शिकायत दूर किए। तो दोस्तों ये कहानी से हम क्या सीखते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बिना गलती की सजा नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये कहानी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। और मिलेंगे हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।